नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइव न्यूज भोजपुरिया और हम है अभिलाष पांडे। हम है अनुज मिश्रा और हम दोनों स्वागत करते हैं आपका हमारे खास प्रोग्राम जा झाड़के में। अनुज भैया जी, भैया हम दर्शकों को जो है जी भैया पिछले एपिसोड में ये बताए थे कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म जो है उसका मुहूर्त रखा गया था जी भैया। उसमें बहुत कुछ था भाई, ये तो हमने चर्चा कर ली। अवधेश मिश्रा कमर में हाथ डाले प्रियंका पंडित के, पता आपने बताया था हमको। अब हम लोग तो पहुंचे ही थे, लेकिन आगे की जो कहानी है वो हम आपको आज बताएंगे। लेकिन भैया हम जो है बहुत दुखी है आज। क्या है भैया, क्या हो गया ऐसा? मतलब मीडिया से बात कर रहे थे खेसारी लाल यादव, मतलब वो ऐसा बोले कि उनकी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी फिल्म मेहंदी लगा के रखना। हाँ। भाई वो फिल्म तो वाकई में बहुत अच्छी है दर्शकों। हाँ, मतलब कई सीन ऐसे हैं कि देख के ही रोना आ जाता है, मतलब दर्शक जो है मतलब अंदर से भाव विभोर हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मतलब खेसारी जी खुद ही बोले मीडिया से कि हम जिंदगी में पिक्चर देखते समय दूसरी बार रोए इस फिल्म को देखने के बाद। पहली बार वो तब रोए थे जब अनिल कपूर भैया की फिल्म आई थी, बॉलीवुड के सुपरस्टार जो रह चुके हैं। उसके बाद जो है उन्होंने बोला दूसरी बार हम इस पिक्चर के बाद रोए। और भैया एक बात बताएं आपको, हमारे जो अपने खेसारी लाल जी हैं बहुत इमोशनल हैं। कसम लाल के लिए कि खेसारी लाल जी रियल लाइफ में भी अगर किसी की प्रॉब्लम हो रिलीफ के दौरान, बिहार में देखा था आपने, वहाँ भी रो लिए थे ऐसे, मतलब आंखें एकदम नम हो गई बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज है ना, ये चीज वही इंसान कर सकता है तो जमीन से जुड़ा हो। बिल्कुल भैया, खेसारी भैया की इस बात से तो भैया हम तो दुखी हुए ही, क्योंकि खेसारी लाल यादव एकमात्र ऐसे इंसान है जो अपने सुपरस्टार होने के साथ साथ, मतलब एक होता है जमीन पे जो रहना, एक सितारा जो है वो वहां रहते हैं, कोई अपने उड़ते नहीं है। तो चलिए दर्शकों आपको यही दिखा देते हैं कि खेसारी भैया का क्या कहना था मीडिया से रूबरू। दिखा दीजिए, दिखा देख लीजिए भाई। तो इस बैनर की मैं दूसरी मूवी कर रहा हूँ और मुझे अपने आप से ज्यादा प्रदीप भैया पे विश्वास है, हमारे डायरेक्टर फिरोज खान जी जो कि टेकिंग के मामले में तो कमाल है वो। और इन्होंने, उनका एक सपना है फिरोज खान जी का कि इस फिल्म को बनाया जाए, तो हम उनके सपने के साथ हैं और मिट्टी से है इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। ये मिट्टी की अगर खुशबू नहीं होती इस फिल्म में तो शायद मैं ये फिल्म नहीं करता। लेकिन सिनेमा कहीं ना कहीं इस मिट्टी की खुशबू देती है, एक रिश्ता, एक प्यार जो होता है उस टाइप से फिल्म है, इसीलिए मैंने इसको हाँ बोला। और प्रदीप भैया को जब मैंने कहानी सुनाई तो प्रदीप भैया ने भी उठ के ताली बजाया, राजेश भैया ने ताली बजाया। तो कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे पब्लिक को अच्छी लगेगी, तभी हम लोगों ने इस पे मेहनत करने की कोशिश की। ज़िंदगी में कभी कभी हकीकत जब सामने आती है ना, तो चाहे वो सिनेमा हो या हकीकत, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मैं सोचा ही नहीं था कि एक बाप का मरने के लिए हमारे डायरेक्टर जो रजनीश मिश्रा है ने इतने बखूबी से एक मरने का ट्रीटमेंट दे सकता है। एक डायरेक्टर तो इस दुनिया में अगर पत्थर दिल भी हो तो हिल जाए, तो रजनीश जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि शायद मुझे भी हिला दिया उन्होंने। मैं अपने कैरियर में जब भी जो भी फिल्म देखा हूँ दो बार रोया हूँ। एक बार जुदाई फिल्म देखा था अनिल कपूर जी का, और उसके बाद मैं अपनी फिल्म मेहंदी लगा कर रखना देखा तो बहुत रोया, और अपने पापा से कम 1.5 घंटे बात की मैंने। तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता अपने बाप से जो प्यार बच्चे नहीं करते हैं ना, वो मुझे लगता है कि अगर मेहंदी लगा कर रखना देखेंगे तो वो अपने बाप से प्यार ज़रूर करेंगे। ये डिसाइड मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो ये उनका अधिकार है, ये मेरा अधिकार काजल पे नहीं है कि मैं बोलूं कि काजल रघवानी हीरोइन रहेगी। भैया सच में आप दिखा दिए, मतलब खेसारी जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। अब देखा, आप ध्यान से देखे होंगे कि काजल रघवानी जी बगल में खड़ी हुई थी तो उनके आंखों में भी बड़ी ही नमी दिख रही थी। हैं, क्या बताएं भाई, पिक्चर ही ऐसी थी। रजनीश मिश्रा ने जो पर्दे पे उतार दिया इस सीन को भाई, हम चलिए मतलब चलिए अब जो माहौल है वो काफी गमगीन हो गया है, तो कुछ मस्ती की बात की जाए। अब हम बात करेंगे हमारी काजल जी की, काजल रघवानी की बात करेंगे। भैया दर्शकों, हम दोनों जब साथ हुए हम लोग गए भैया देखें कि जो फिल्म स्टार्स जो हैं वो डांस कैसे करते हैं भाई, मस्ती कैसे करते हैं। तो हम गए, वो याद नहीं है आपको, चढ़ा के जो मारा था पीछे बॉडीगार्ड हुआ जो था, अरे तो जाने दो जाने दो जाने दो बेटा, भाग 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 ऐसे बोले। और भैया कौन से गाने पे डांस कर रहे थे पता है आपको?
विकाल से वो कौन सा अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जोर जोर से मेरे फोटो को छीने से विकाल से। तो एंटरटेनर्सों को माहौल कुछ है और हमारी काजल राघवानी जो है मतलब एक तो उनकी अदाएं कुछ अलग है, दूसरा वो क्या मस्त जो है भाव विभोर होकर जो नाटी थी भाई मजा ही आ गया। मजा आ गया भैया, हम देखना चाहते हैं गड़े मचा दी। डॉक्टर को आप भी हमको ये पता है कि आप भी उत्सुक हो रहे होंगे कि भैया काजल राघवानी का लोग डांस जो है दिखा के उन्हें नहीं कहा इतना बकवास कर रहे हैं पंचायत कर रहे हैं, तो चलिए पंचायत को खत्म करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि काजल राघवानी जो है कैसे डांस कर रही है, देख लीजिए। बिल्कुल तो दर्शकों आपने देखा हमारी काजल राघवानी जो है गजब डांस कर रही थी, मतलब फेविकॉल जो है चिपक ही गया एकदम, पूरा चिपका दिया, मजा दिला दी भाई। काजल राघवानी जी आप जब भी आती है हमारे सामने हमें तो लगता है कि मेरे सामने कोई हूर की परी आ गई है, मतलब गजब मजा आ जाता है भाई। भाई आप भी कुछ बता रहे थे हमको। हाँ हम तो ये बता रहे थे कि काजल राघवानी इधर ठुमका लगाए पड़ी हुई थी, उधर हमारे खेसारी भैया सबके साथ में जो भोजपुरी के दिग्गज कलाकार थे सबके साथ वो कौन सा है आज चुम्मा है आज चुम्मा 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 दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, मतलब दबा के ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे थे खेसारी भैया ना, ऐसे ऐसे करके डांस करो। बैठे तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, नजर नहीं क्या बात कर रहे भैया, शांत स्वभाव नहीं कि मस्ती में होते हैं तो लक लगा के कमर हिला देते हैं और सबके साथ पूरा ऐसे मजा आ जाता, गर्रा उड़ा देते हैं, मतलब खेसारी भैया के लिए ये चीज देखने गए तो भैया हम भी उठ रहे क्योंकि हम देख रहे हमको क्या है पीछे से मार दिया था बॉडी का बोटा भाग 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 तो डूबले पतले आदमी है तो कहीं से पैक हो जाते हैं। खेसारी के बहुत बड़े वाले फैन भी तो है ना जी, गजब आप भी बात कर रहे हैं, जानते ही थे अनुज भैया तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, हम तो नीचे से घुस के और खेसारी जी के बगल में दो ठुमके लगा दिए हमने, हम बोले भी उसको जो गड्डी का मारा था हमको पीछे इसी कलर के कुत्ते का पीछे हमें निशान दे दिया है वो, हम बोले देख लेना हम जा तो रहे हैं लेकिन हमारे अनुज भैया जो है जरूर कुछ ना कुछ गुड़ खिला के और देखिए आगे कैसे डाल के लेके। चलिए डॉक्टर को आपको दिखाई देते हैं, अनुज भैया दिखा दीजिए भाई, देख लीजिए भैया देख लीजिए।
तो भैया देख लिए, आप भी देख लीजिए को, बताओ भैया कैसा रहा हमारे खेचारी लाल जी। खेचारी जी अच्छे थे। अरे भैया पूरे जुम्मा है, अफ्ताब जी का जो गाना है ना, मस्ती छा गई भैया पूरे में। चलिए दर्शकों को हम सबको दिखा दिए भाई पूरे एपिसोड में जो है, हम सबसे पहले तो खेचारी भैया का जो इमोशनल जो एक साइड था वो आपको दिखा, जो अमूमन कम देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, और हमने काजल राघवानी जी का ठुमका भी दिखा दिया। तो हम कह रहे थे अगर वो नहीं आया उठाना बॉडी गढ़वा तो काजल जी हमको बुला के नटवाते, हमको आप भी पूरा एकदम ठुमका लगा लेते, इस कुर्ते की तरफ पीछे निशान दे दिए हमको, एकदम मार मार के एकदम गजब कर दिया है। हमको जाना है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, समय की पाबंदी है। तो तीसरी चीज जो हम दिखाए थे वो थे खेसारी भैया का डांस, जो अनुज भैया बता रहे थे। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नई हस्तियों के साथ, कुछ नई बातों के साथ फिर रूबरू होंगे आपके साथ। लेकिन तब तक के लिए जो है घर जाने का टाइम हो रहा है ना, फगुनिया मारेगी सब्जी नहीं लेके रहेंगे तो तब तक के लिए भैया आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया। और हाँ, हमारे प्रोग्राम नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया को ना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी कर दिया करिए कभी कभार, क्योंकि जो आप देखना चाहते हैं वही तो हम दोनों दिखाएंगे भाई। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।